अपनी आशीषें और बरकतों को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अबनेजर चर्च बिलगा को और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। की होने चाहिए यार, ओनू देखने वाली अखा की होनी चाहिए, ओनू बोलने वाला मुंह की होना चाहिए, ओनू मन च जमा करने के लिए मन की होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। असी सारे जानते हैं कि परमेश्वर का जिहड़ा वचन आ वह पवित्र आ। हालेलुया, सानू सब नू पता आ, पर फिर भी असी गलतियां करते हैं। हालेलुया। उसो रब दे प्यारे बाणी दे विच लिखिया जूं दे रब दे हत्थां विच पैणा भयानक गल आ। हालेलुया। ओ क्यों भयानक गल आ? क्योंकि परमेश्वर भी पवित्र आ, परमेश्वर दी बाणी भी पवित्र आ। हालेलुया। ते परमेश्वर नूं सुनण वाले लोग भी की होने चाहिए आ? अगर असी पवित्र ना होवांगे तां असी अपनी जान दा नुकसान करा लेवांगे। हालेलुया। अज असी शैतान नूं कहने आ, शैतान ने साडियां आशीषां रोकियां होईयां आ, गवांडी ने जादू कर दिता, साडियां आशीषां रुक गईयां आ, मेरे शरीर विच बीमारी आ, ओदा मूल कारण की आ? असी किसे ना किसे ते दोष ला दिंदे आ कि अज साडे शरीर विच बीमारी आ ते ओदा मूल कारण असी आ। हालेलुया। रब दे प्यारियो, जब साडा परमेश्वर पवित्र आ, ओदा वचन पवित्र आ, ओनू सुनन वाला भी पवित्र आ, ओनू पढ़न वाला भी पवित्र आ, बोलन वाला भी पवित्र आ, ते लिखिया पवित्र जगह ते कोई भी गंदगी नहीं हुंदी। हालेलुया, हालेलुया। मन लो तुसी भांडा साफ कीता आ, ओदे विच तुहानू गंदगी नजर आवेगी नहीं? उच्ची नहीं बोलो, उच्ची नहीं, गंदगी नजर आवेगी नहीं? जे असी अपने मन नू साफ कीता होया तां फिर साडे विच बीमारी, साडे विच परेशानी क्यों आ? हालेलुया, हालेलुया। ओदा मूल कारण असी आ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दा वचन पवित्र आ, परमेश्वर पवित्र आ, पर सुनन वाले पवित्र जीवन दे विच बीमारी बनी हुई आ। असी आप पवित्र हत्थां दे नाल परमेशर दे वचन नूं चकदे आ ते प्रॉब्लम दे विच फस जांदे आ, सानू पता ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आप देखते हैं परमेश्वर की बाणी दे विचों जब आ पवित्र हाथों के नाल परमेश्वर के वचन को टच किया तो की होया, जब परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना तो की होया? हालेलुया। और परमेश्वर का वचन किदा किदा परिवारों के विच जाके बरकत दिंदा उहदे बारे आप जाणांगे। अज का जिहड़ा मेन मैसेज आ, परमेश्वर का वचन पवित्र है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन बरकत दिंदा, परमेश्वर का वचन चंगा करदा, परमेश्वर का वचन शांति दिंदा, परमेश्वर का वचन छुटकारा दिंदा। हालेलुया। बाणी दी लिखिया शब्द ही परमेश्वर है, शब्द ही परमेश्वर दे। माता मरियम दे कोल की आया एक शब्द आया, यीशु नाम, एक पवित्र वचन आया, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। दूत की कहिंदा ए
माता मरियम तू औरतां विचों धन होवेगी, रब ने तेरे उत्ते की कीती है कृपा। हालेलुया हालेलुया। ते आ शब्द तेरे एक पुत्र होवेगा, एक यह शब्द जेदा नाम यीशु रखी। यीशु नाम दा मतलब परमेश्वर साडे। ते मरियम ने ग्रहण कीता ते औरतां विचों धन होई, जेड़ा ओदी तुक तो पैदा होया वो बालियां दे छुटकारे दा कारण हो। हालेलुया हालेलुया। ओ वचन जेड़ा मीकाएल जिब्राइल फरिश्ता माता मरियम दे कोल लै गया, ओ पवित्र आत्मा दे द्वारा आया। हालेलुया हालेलुया। ते बाइबल भी जेड़ी लिखी गई आ ए भी पवित्र आत्मा दे द्वारा ही लिखी गई आ, किसे दी सोच किसे दी समझ तो नहीं लिखी गई। हालेलुया हालेलुया। इसलिए रब दे प्यारियो, जद भी तुसी वचन नु चको पढ़ो ता अपने मन नु पवित्र करो, अपनियां सोचां नु पवित्र करो। हां आइए दूसरा शैमल ओदा छे अध्याय ओदी एक आयत तो असी देखते हां। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सारे बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो क्रूपों पर विराजमान सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। हालेलुया। दाऊद कैसे गया? वीरों को लेकर गया कि आओ हम परमेश्वर के उस संदूक को लेकर आए जो क्रूपों पर विराजमान सेनाओं का यहोवा। उस संदूक के अंदर क्या था? जो जंगल में उन्होंने मन्ना इकट्ठा किया, परमेश्वर के हाथ के द्वारा लिखे गए 10 हुक्म और उसी संदूक के अंदर हारून की छड़ी थी। हालेलुया, जिसके ऊपर फूल आए हुए थे। हालेलुया। और कुर्बों का क्या मतलब? कुर्बों वो ताकत थी पवित्र आत्मा की, वहां उस पर सामर्थ्य लिखा है कुर्बों पर विराजमान। हालेलुया। हाँ जी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक। हालेलुया। नई गाड़ी पर हालेलुया चढ़ाकर। हालेलुया। टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। हालेलुया। एक मिनट, संदूक कितने सिगा? हालेलुया। जब संदूक अबीनादाब के घरों लेके आए तो एक पहला वर्ड लिखा परमेश्वर दा ओ संदूक। हालेलुया। जेड़ा आज आपा वचन पढ़ते हैं एक या परमेश्वर दी बाणिया। हालेलुया। एक या परमेश्वर दा संदूक या। हालेलुया। क्योंकि एदे विच लिखिया होया आ जूना दे अंजील दे विच शब्द ही परमेश्वर दे संग सी, एक भी वस्तु ओदे तो बिना रची नहीं। इसलिए असी इस बाइबल नू भी परमेश्वर दा संदूक परमेश्वर दा वचन मानदे आ। हालेलुया हालेलुया। ओ किसी परमेश्वर दा संदूक जद उस जगह तो उस टिले तो लेके निकले आ। हाँ जी। और अबीनादाब के उजा और अहो नाम दो पुत्र उस नई गाड़ी के
और रोकने लगे, काटने लगे। अभी ना दाद के क्या थे, दो बेटे बेटियां बेटे थे उसके, हालेलुया। उन्होंने पुरानी गाड़ी नहीं चुनी, नई वाली गाड़ी चुनी उनके लिए, और ताकतवर बैल चुने, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के संदूक को लेने के लिए, परमेश्वर के वचन को लेने के लिए या अपना मन नया करते हैं? जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, अपने मन में नया विश्वास, नई उमंग, नई आशा, नया बल लेकर आते हैं कि आज मैं प्रभु का वचन सुनूंगा, नए मन से मैं उस पुरानी सारी चीजों को निकालता हूं, उन पुरानी सारी बातों को निकालता हूं, आज मैं परमेश्वर का वचन लेने जा रहा हूं, हालेलुया, परमेश्वर की वाचा को लेने जा रहा हूं, परमेश्वर के वायदे को लेने जा रहा हूं। क्या आप ऐसा चलते नहीं? यही समस्या है, जब हम अपने मन के अंदर बहुत सारी बातों का वर्डन रख लेते हैं किसी ना किसी खिलाफ, तो ये पाप है मेरे प्रियो, इसी कारण आज हमारी आशीष रुक जाती है। लिखा उन्होंने नई गाड़ी, और अभी दो नामक उस व्यक्ति के दो बेटे थे, क्या नाम था उनका? पूजा और आहो नामक दो बेटे उस गाड़ी को क्या पकड़े, मानो बैल, जो बैल थे उन्हें सिटी के द्वारा चलाने लगे, तो जिदा पंजाबी जा पके नहीं गड्ढा गड्ढे जो मुरे बलदम दिया तो बलदम हकड़ लगे, हालेलुया। हाँ जी आगे पढ़िए। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और आहो संदूक के आगे आगे चलना शुरू किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आगे आगे चलना शुरू किया उन्होंने। हाँ जी, दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना परिवार यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे डपबीन सारंगियां डमरू झांझ बजाते रहे। जब वे, एक मिनट, लिखा इज़राइल के सारे घराने। आज हम मीटिंग में आते हैं संडे को परमेश्वर का वचन लेने, तो कितने लोग आते हैं, कभी एक आ गया, कभी दो आ गए, पूरा परिवार कभी इकट्ठा नहीं। तो जहां लिखा जब वो परमेश्वर के वचन को लेने जा रहे थे, तो वो इज़राइल का समस्त घराना, इज़राइल के पूरे परिवार थे वहां पर, तो वो क्या कर रहे थे, वचन को लेने के लिए यहोवा के संदूक के आगे डप और ताद और बाजों के द्वारा, बीन के द्वारा, ढोल के द्वारा वर्शिप करते थे, हालेलुया। आज तो कुछ लोग वर्शिप करते तो उनके मुंह नहीं खुलते, ताली नहीं बजती, आते हैं संडे को परमेश्वर का वचन लेने, वो गूंगे बन के आते हैं और गूंगे बन के चले जाते हैं, ऐसे ही मैंने देखा है, हालेलुया। पिछले साल से, बहुत सालों से मैं इन बहनों को बोल रहा हूँ, भाइयों को बोल रहा हूँ, अरे बोलो, तो बोलते हैं अरे पादरी साहब ने कह दिया, तो अब बोल देते हैं, हालेलुया। अगर आपने यहाँ एक वचन को लेने की क्या है पूरी व्यवस्था बताई गई है कि वो वचन को कैसे ले रहे, नई गाड़ी, पूरा घराना। आज हम पूरे परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनके पूरे परिवार, अगर आपका पूरा परिवार चर्च में नहीं आएगा तो आपके घर में शैतान फूट डाल देगा। आधों ने वचन सुना, आधों ने सुना नहीं, वो उनको बताएंगे तो आपस में लड़ेंगे, ये डफ
वर्शिप करते उसके आगे आगे लेन के संदूक के आगे आगे जा रहे हैं। आज आप लोग कैसे वर्शिप करते हो कमल भाई, कैसे वचन को लेने के लिए आप वर्शिप करते हो? ऐसे से ऐसे भी होते ऐसे ही प्रभु की राधे में आबाद। क्या बात है कि तकलीफ ना हो जाए बॉडी को, शरीर को थोड़ा कष्ट ना हो जाए। कभी तो ज्वाइंट पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, कमर में दर्द होता है, क्योंकि हम प्रभु की आराधना ही सही रीति से नहीं करते। हमने पवित्र वचन को लेना है, आराधना हमें पवित्र बनाती है, परमेश्वर के वाणी लेने के लिए अपने मन को तैयार करना, जो इतने चाव के साथ इतने आनंद के साथ आगे बढ़ना। जी हाँ जी बोलिए। जब बैठना कौन के कल्याण तक आए, कहाँ कौन से कल्याण तक? नाकोन के कल्याण तक आए। तब उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, उसे थामा, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। यहाँ घटना हो रही है, सुनिए ध्यान से। तब यहोवा का कोप ऊजा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वही परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। परमेश्वर ने उसको उसके दोष के कारण ऐसा मारा कि वह वही उस संदूक के पास मर गया। जे कोई कौन है? ऊजा जो रेडी अबीनादाब। क्या आप पवित्रताई से उसको शुआ? यहां साफ लिखा है परमेश्वर का क्रोध उसके दोष के कारण उसके ऊपर भड़का। हालेलुया। तो वो वहीं पर मर गया। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर शरीर से खत्म करता था, मगर नए नियम में आत्मिक रीति से खत्म हो जाता है। वो फिर तालियां बजाए, भंगड़ा करे, शोर मचाए, कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को कैसे लिया? दोष के साथ लिया, पाप के साथ लिया। तो वो आत्मिक रीति से मर गया। उसने वचन को लिया तो है, मगर उसके अनुसार चला नहीं, उसके अनुसार किया नहीं। वचन को सुना, मगर उसके ऊपर अपना मन लेकर नहीं आया। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे प्रियो जो वचन को सुनते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी महंगी महंगी बाइबलें हैं, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया बैग हैं, मगर वो उस वचन को लेते कैसे हैं? जे जरूरी है, बाइबल आपके पास 150 रुपए वाली भी चलेगी। हालेलुया। मगर आप परमेश्वर की बातों को कैसे लेते हैं? फेथ के साथ? आप पवित्रताई के साथ? कब पवित्रताई के साथ? क्योंकि वचन में साफ लिखा है तेरा बुलाने वाला भी पवित्र है, तो तू भी क्या कर? अपने आप को पवित्र कर। हालेलुया। और वचन में लिखा है जब तू परमेश्वर के शब्द को सुने तो अपने हृदय को कठोर मत करना। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का शब्द सुनते हैं, परमेश्वर के शब्द को सुनते ही हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। जैसे इब्रानियों में अभी हमने पढ़ा। हालेलुया। इसने आप पवित्रताई के साथ, दोष के साथ, इसीलिए परमेश्वर का हाथ। बहुत से लोग कहते उसने तो संदूक को छुआई होगा, हम दोष के साथ परमेश्वर के वचन को छू भी नहीं सकते, पाप के साथ इस वचन को छू नहीं सकते, तो हम आप अपने जीवन में कैसे लेके जाए? आज इसी दोष के कारण
इसी पाप के कारण हमारी आशीष रुकी हुई है, हमारी ब्लेसिंग रुकी हुई है, हमारी चंगाई रुकी हुई है, हमारी उन्नति रुकी हुई है, क्योंकि हम में दोष है। एक व्यक्ति बोलता है कि तेरे को ब्लेसिंग मिले, परमेश्वर कहता है तेरे को ब्लेसिंग मिले, तो ब्लेसिंग इस वचन के द्वारा, जब वो वचन ही हमारे जीवन में नहीं कार्य करेगा तो हम ब्लेस कहां से हो जाएंगे, हालेलुया। हम चंगे कहां से हो जाएंगे, हालेलुया। हम अपनी गलती किसके ऊपर ठोकते हैं, शैतान के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, उसने कुछ कर दिया होगा। हम अपनी गलतियों को तो मानते नहीं, अपनी बातों को तो मानते नहीं, पश्चाताप तो करते नहीं, कहते उसने जादू किया। अरे जादू करने वाले की क्या ताकत है आपके ऊपर जादू कर दे, क्योंकि वचन में तो साफ लिखा है कि इज़राइल के ऊपर कोई जादू कोई फाट नहीं चलेगा, तो फिर हम पर कैसे चल रहा है, क्योंकि हम पवित्र नहीं है, इसी कारण वो जादू हम पर कार्य कर रहा है। हम दोषी हैं, हम पापी हैं, इसी कारण वो बीमारी हमारे जीवन में राज्य कर रही है, इसी कारण गरीबी हमारे जीवन में राज्य कर रही है, मौत हमारे जीवन में राज्य कर रही है। अगर हम पवित्रता से पूरे फेथ के साथ ईमान के साथ उस वचन को ले लें, तो फिर क्या होता है, जैसे 12 साल की रोगन लहू बहने की बीमारी से तुरंत छूट गई, फिर हम तुरंत चंगे हो जाते हैं, क्योंकि वह वचनों में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचनों को भेज कर हमें चंगा करता है। तुझे तो चंगा करने वाला वचन है, शांति देने वाला वचन है, अगर यही हमारे जीवन में नहीं होगा, इसे ही हम सही रीति से नहीं लेंगे, तो हम आत्मिक रीति से मर जाएंगे भाइयों। और जिसकी आत्मिक मौत हो गई वो शरीर में तो जिंदा रहेगा, मगर कैसे, मुर्दों के समान, हालेलुया। वो दोष के कारण मर गया। आज हम अपनी आशीषों को खुद रोक कर बैठे हैं, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपनी उन्नति को खुद रोक कर बैठे, क्योंकि हम इस वचन के ऊपर फेत नहीं लाते। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा फेत लाओ। और दूसरा वक्त, दूसरी बात, इस वचन के द्वारा आशीष भी मिलती है, हालेलुया। हाँ, आगे चलकर पढ़िए। तब दाऊद और प्रसन्न हुआ, तब दाऊद डर गया और प्रसन्न हो गया, इसलिए कि यहोवा उस पर टूट पड़ा था, कि यहोवा उस पर टूट पड़ा। दाऊद डर गया, कहने लगा नाना बाबा मैं नहीं लेके जाऊंगा इस वचन को, क्योंकि वचन जब आपके जीवन में आएगा तो आप पाप को छोड़ेंगे, तो आपको तकलीफ होगी, तो आप कहेंगे नहीं 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 मैंने इस वचन को नहीं लेना, ये मेरे लिए नहीं है, ये पड़ोसी के लिए, हालेलुया। तो फिर आप ऐसा बोलेंगे कि ये पड़ोसी के लिए, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जब अच्छा वचन सुनते हैं तो कानों में खुद ही होना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं उसके लिए मेरे लिए नहीं, क्योंकि हम अपनी गलती को मानना नहीं चाहते। तो दाऊद भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर, अपने पाप को नहीं मान रहा, तो वो डर गया कि कहीं मेरा भी हाथ इसके ऊपर लग गया तो मेरा भी काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि तो दाऊद जानता था, हालेलुया। हर एक इंसान अपने विषय में जानता है तो उसने कहां गलती कहां पाप किया। हाँ जी, और उसने उस स्थान का नाम तेरे जुजा रखा, तेरे जुजा रखा उस स्थान का नाम। हाँ जी, आगे पढ़िए। ये नाम आज के दिन तक विद्यमान है, जे वो नाम जो उसने रखा वो आज तक स्थिर है। आगे की बात पढ़िए। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए, कि यहोवा का संदूक परमेश्वर का वचन मेरे दाऊदपुर में कैसे जाएगा, मेरे घर में कैसे जाएगा। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना ना चाहा, वो डर गया, परंतु गतवासी अबेबेदोम के यहाँ पहुँचाया, अबेबेदोम के वहाँ पहुँचाया,
यहोवा का संदूक। एक मिनट, दाऊद डर गया कैसे लेकेगा? आज इसीलिए हम वचन नहीं रिसीव करते क्योंकि हमने पाप और गलतियां करनी होती है। हालेलुया। अगर हम पाप और गलतियां करते हैं तो इसीलिए वचन को नहीं लेते, कहते छोड़ दो। दाऊद भी छोड़ गया तो किसके जहां गत तो बासी अब दो अबेबे अबेबे दोम के घर में उस वचन को, उस संदूक को पहुंचा दिया। हाँ जी, यहोवा का संदूक, यहोवा का संदूक गत्तवासी अबेबेदोम के घर रहा, तीन महीने रहा, तीन मंथ रहा वहाँ पर। और यहोवा ने अबेबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। पंजाबी में लिखा है सारी चीजों पर आशीष। एक व्यक्ति हाथ लगाता है आप पवित्रता से तो वो मर जाता है, एक व्यक्ति डर जाता है तो एक व्यक्ति उसे वचन को लेता है। अबेबेदोम के परिवार ने पूरी पवित्रताई से, पूरी ईमानदारी से उस वचन को, उस नेम के संदूक को अपने घर में ले लिया। तो लिखा तीन मंथ के अंदर ही परमेश्वर उस परिवार के हालात बदल दिए, उसके मार पूरे पूरे घराने पर, हर एक चीज पर, उसके बिजनेस पर, उसकी लाइफ पर परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। हालेलुया, क्या बात है। हालेलुया, वचन एक ही है मगर लेने वाले तीन लोग हैं, मगर तीनों ही लोग अलग अलग तरह के हैं। पहला लोग दो, पहला व्यक्ति दोष, दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में पाप देखता है तो वो परमेश्वर के वचन से डरता है, मैं नहीं लूंगा। तीसरा व्यक्ति नम्र और हलीम और पवित्रता से भरा हुआ और उसका सारा घराना। अगर हम भी इस वचन को पूरी पवित्रता से, पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास के साथ लेकर जाएं तो हमारा घराना भी ब्लेस हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जे हम पर है कि हम इस वचन को कैसे लें। खुदा का दास तो इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर कहता वो आपको बोल रहा है, आप इस वर्ड को कैसे ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। और फिर अगली बात क्या होती है देखते हैं। तब दाऊद राजा को जे बताया गया कि यहोवा ने अबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है, तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को अबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। हालेलुया। दाऊद को जलन होने लगी, अरे उसका परिवार ब्लेस कैसे हो गया। दाऊद हैरान रह गया। उसके घराने को उसकी सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे दी, आशीष दे दी, तो वो फिर उसके घर से संदूक लेने के लिए चला गया। और जब वो संदूक लिया तो दाऊदपुर में लेकर आए, तो कैसे लेकर आए। हाँ जी, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला कोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी एक पौध कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। हालेलुया। जब वो 6 कदम चले उस संदूक को लेकर, वो जो संदूक को लेकर चल रहे थे वो ऐसे नहीं थे, उन्होंने पहले अपने आप को पवित्र किया और फिर परमेश्वर को भेंट दी। आज आप भेंट कैसी लेके आते हैं परमेश्वर के सामने, कैसा मन का भेंट लेके आते हैं, कभी आपने सोचा क्या परमेश्वर आपके 10, 20, 50 का भूखा है। आपकी असली भेंट सच्चे मन से। हालेलुया।
और बहुत से लोग मैंने ऑफरिंग के अंदर देखा वो 10 ही डालते, कभी 20 का नोट ही नहीं डालते। वो पहले 2 साल पहले भी, 10 साल पहले भी 10 ही डालते थे, आज भी 10 ही डालते। उन्होंने भेंट को, दाऊद ने जे भी देखा बछड़ा मेरा जा रहा है, बछड़े को बलि किया और कैसे नाचते गाते हुए हालेलुया। आप नाचते गाते हुए खुश होकर वचन को लेके जाते हैं, आप अपने चेहरों को देखो कैसे भंगड़ा करते हो, आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं कभी नहीं लेते। और एक वचन मैं सुनता हूँ, दाऊद नेम ने संदूक के पावे लुडिया पंजाबी चेता लिखे हुआ हालेलुया, और लिखा लुडी पौधा गया धूड़ा पटता गया हालेलुया। अब जी धूड़ा पटते साढ़ा जो पैर दुखने शुरू हो जाते हैं, तो शाम को नैण आते हैं घुटो भाई असी बंदगी करके आए हैं, धुप बहुत लग गई हालेलुया। नी दिन पादरी साहब ने तो मिठे पानी का भी प्रबंध नहीं किया हालेलुया। लुड्डी पाउंदा गया दाऊद हालेलुया। अज तुसी लुड्डियां पाउने आउने, पहले नंबर दा चाची लेट आउने आपां, चलो कोई नहीं दरियां वैसे ही लैण दिओ, चलो कोई नहीं चाह बन के मिल ही जाणी आ, कोई गल नहीं बैठे रहने आ, बना ही लऊगा कोई ना कोई, चलो कहीं ना कहीं ने बर्तन मांज दे, कोई नहीं चर्च मिट्टी ला देनी लेबर पादरी साहब ने कभी सोचा। हालेलुया, लुड्डी पौंदा गया हालेलुया, नाचते हुए गाते हुए डब बजाते हुए तागा साजों से, पता नहीं उसने कितनी बड़ी दावत की होगी कि आज परमेश्वर का वचन मेरे शहर में मेरे घर में आ रहा है। आप लोग दावत करते हैं क्या लेकर आते हैं? हालेलुया। संडे को कभी चाहा आप अपनी बहन के पास जा रहे हैं तो एक केले की दर्जन लेकर जाते हैं, बढ़िया वाला फ्रूट लेकर जाते हैं, कभी परमेश्वर के भवन में आए तो कुछ लेकर आए। हालेलुया। कहते हैं हम परमेश्वर से मिलने आए, कुछ दिल की भेंट लेकर आते हैं, खाली हाथ आते तो खाली हाथ चले जाते। हालेलुया। मैं नहीं कहता, वचन कहता है, जहां देखिए कैसे इस वचन को पढ़कर देखिए कैसे वो कार्य कर रहा। पहला व्यक्ति दोष वाला, दूसरा पाप वाला, तीसरा ब्लेस। अब जो पाप वाला था, इसके अंदर पाप था, उसने अपने पाप को मिटाया और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, क्योंकि वो जान चुका था कि अगर उस व्यक्ति को 3 मंथ के अंदर बरकत मिल सकती है तो मेरे को परमेश्वर कैसे नहीं देगा। हालेलुया। आज हम आप अपवित्रताई का करके अपनी आशीषों को रोक कर बैठे, दाऊद ने जान लिया। हालेलुया। वो तो क्या कहता हूँ कि हालेलुया, जाना आया 10 मिनट। हालेलुया। आज हम वचन की ताकत को, वर्ड की ताकत को नहीं पहचान पाते। दाऊद वर्ड की ताकत को जान गया, वचन ही के द्वारा सब कुछ हो सकता है, और परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि तेरा राज्य कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और उसी के कुल से यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। हाँ जी, यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के संदूक नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन खुश जाना। अब तीसरा व्यक्ति आ गया, क्या अपने महल की बारी नु खोलिया, विंडो नु खोलिया, क्या देख रही है कि दाऊद कैसे कपड़े उतार कर नाच रहा है, कैसे
अरे जे तो राजा है, ये कैसे नेम के संदूक के आगे नाच रहा है, इसे लाज नहीं आती? तो लिखा उसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। वो सौल की बेटी मीकल थी और पूरी उम्र के लिए बांझ रह गई। आज बहुत सारी बहन लोग जब वचन को रिसीव नहीं करती तो वो बांझ रह जाती है, वो बंजर जमीन की तरह हो जाती है, उनका जीवन बंजर जमीन की तरह, उसने तुच्छ जाना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं तो हम बांझ के समान हो जाते हैं। तुझे बांझ हो गई, कभी इसके बच्चा नहीं हुआ। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो हम भी बंजर जमीन के समान हो जाएंगे, एक बांझ औरत के समान हो जाएंगे। हालेलुया। जे है वचन की ताकत। हालेलुया। पहला नंबर इसे पवित्रता इसे लो, तुझे आपके परिवार को आपके घराने को ब्लेस कर देगा। हालेलुया। दूसरा बात, अगर आपके जीवन में पाप है तो उस पाप का अंगीकार करो। हालेलुया। फिर वचन को ग्रहण करो। तीसरी बात, वचन को कभी तुच्छ मत समझो। हालेलुया। और उस वचन को पढ़कर सुनकर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। मैं जानता हूँ बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, मगर मेरा उसमें कुछ नहीं जाएगा। जिस दिन वो इसको हाथ लगाएंगे वो आत्मिक रीति से मर जाएंगे, उन्हें कभी आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि वो उन्होंने आप पवित्रता के साथ इसे पढ़ेंगे, एक बुक के तौर पर पढ़ेंगे, वो कभी ब्लेस नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि जीतते परमेश्वर के हाथों में आना बहुत ही भयंकर बात है। हालेलुया। पहला इतिहास 13 का एक पढ़िए। दाऊद ने और सब प्रधानों से सलाह ली, तब दाऊद ने इज़राइल की सारी मंडली से कहा, यदि जे तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इज़राइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो जाजक और लेवी अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं उनके पास भी ये कहला भेज कि हमारे पास इकट्ठा हो जाओ और, हाँ पढ़ो पढ़ो। और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। हालेलुया। क्या किया? किंदा इज़राइल का समस्त घराना ले भी जो चराइयों में जो दूर दूर रहते उनको मैसेज करो, उनको बुलाओ कि आ जाओ, परमेश्वर का वचन आ गया है। हालेलुया। दाऊद लोगों को मैसेज करने लगा, लोगों को सुने भेजने लगा कि आ जाओ, अब परमेश्वर के वचन के द्वारा आप भी ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि वो कहता क्या, साउल के दिनों हम इसके पास नहीं जा सकते थे। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के वचन को ले सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ओल्ड टेस्टामेंट में कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को छू नहीं सकता था, मगर आज परमेश्वर का वचन आपके पास है, आप इस वचन के द्वारा ब्लेस हो जाओ, आपकी फैमिलियां ब्लेस हो जाओ। इसीलिए आज आपको बताया गया था कि अपने परिवारों को साथ लेकर आना, आपके परिवार ब्लेस हो जाएं आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। पहला इतिहास 15-25, 16-6-41। दाऊद और इज़राइलियों के कोनियों और छह
और शस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक और बेत-एदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए, जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा का वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेले बलि किए। लेवी, लेवी का मतलब पता है कौन? लेवी, लेवी जानते हैं कौन कौन होते, क्या होते लेवी? अमर पता है आपको? गाने बजाने वाले, हालेलुया, वो लेवी ही उसके संदूक को उठाते। आज हमारे चर्च के लेवी कैसे? लेवी परफेक्ट होना चाहिए। अगर लेवी भी गाने बजाने वाला, महिमा करने वाला, वर्शिप करने वाला सुनता होगा, मैं बच गया नहीं। अगर आप भी गलती करोगे, आप भी फंसोगे और मरोगे। लिखा 7 बैल काटे। जो वर्शिप करने वाले वो ध्यान से सुने, अगर वो पवित्र नहीं होंगे, वो अच्छी रीति से नहीं चलेंगे, तो वो जितने मर्जी साज बजा ले कुछ नहीं होगा। एक गाना जो फिल्मी स्टार गाते हैं वो अलग बात है, जो प्रभु के लिए आराधना करना, वर्शिप करना, ये बहुत अलग बात है। अगर आप आराधना करते हो तो आराधना से परमेश्वर बहुत खुश होता है। पूरे दिल से करो ना, हालेलुया। हाँ जी, दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवी और गाने वाले और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कन्हैया ये सब सन के कपड़े इस बांधे पहने थे। हालेलुया, इनके कपड़े भी अलग थे, गाने वाले और बजाने वालों के। हालेलुया, कहने का मतलब हमारे जीवन में अलगता ही होनी चाहिए। अगर आप गाने वाले हो तो आपके कपड़े भी अलग होने चाहिए, आपका पवित्रता का ताई से रहने वाले होने चाहिए। वो आज हमारे जहाँ पास्टर जी कह देंगे ड्रेस नहीं सुनेगा। हालेलुया, बोले पादरी साहब लेके दे, अरे पादरी साहब के पास आ जाएंगे तो ले देंगे। हालेलुया, तो 16 का 6 और 43 पढ़िए। बनन्या और जेजीएल नामक जाजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरियां बजाने के लिए नियुक्त किए गए, तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का नाम असाफ और उसके भाइयों को सौंप दिया। हालेलुया, यहाँ अगर मैं पूरा पढ़ाऊँ तो जहाँ एक एक चीज के लिए एक एक व्यक्ति की ड्यूटी, पुरियाँ बजाने वाले अलग थे, साज बजाने वाले अलग थे और धन्यवाद करने वाले अलग थे। तो आज हम हालेलुया 43 एक पढ़ दूँ। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। हालेलुया, तो प्रजा के सारे लोग कैसे गए? वो ब्लेस होकर गए, हालेलुया, आशीष पाकर गए, हालेलुया, और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद का मतलब आप अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, अपने परिवार के लिए, पूरा परिवार एकत्र होकर प्रभु के सामने समर्पित हुआ। हालेलुया, और पश्चाताप किया कि प्रभु तेरा वचन मैंने सुना है और उस वचन के द्वारा मुझे ब्लेस कर। हालेलुया, तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, तो पूरी पवित्रता के साथ ग्रहण किया करो। हालेलुया, ऐसे ही ग्रहण मत करो। आज हम अपने खुद के बैरी बने, खुद के दुश्मन बने। हालेलुया, एक ने वचन को कैसे लिया? दोष के साथ वो मारा गया। एक के अंदर पाप था, वो डर गया, वो वचन को छोड़ गया। फिर जब वो शुद्ध होकर आया
तो वचन को कैसे लेकर गया? गाते हुए बजाते हुए पूरी पवित्रताई के साथ खुद भी आशीष पाई और पूरे लोगों को भी ब्लेस किया। हालेलुया। तो एक ने आशीष कैसे पाई? उस वचन को पूरी पवित्रताई से ग्रहण कर। हालेलुया। तो मीकल ने क्या किया? वो वचन को तुच्छ जाना और बहान पांच रह गई। आज हम भी वचन को तुच्छ जानेंगे तो बांझ औरत के समान हो जाएंगे। हालेलुया। हम कभी प्रेसिंग क्यों नहीं? तो जो गाने वाले बजाने वाले उनके लिए भी खास मैसेज है, कलीसिया के लिए, पास्टर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। इसीलिए अगर हमारा बुलाने वाला पवित्र है तो हमें भी पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का वचन पवित्र है। उसे सुनने वाला भी पवित्र होना, उसे सुनने वाला भी पवित्र होना चाहिए, उस पर विश्वास करने वाला भी पवित्र होना चाहिए। प्रभु यीशु से आज मैं अपने मन को तैयार करता हूँ, करती हूँ कि मैं जितने भी पाप किए, जितनी भी गलतियाँ की, उन सबको मानकर तेरे लहू से अपने आप को धोती हूँ और खुद को पवित्र करती हूँ, मुझे शुद्ध कर दे। मैं तेरे वचन को लेकर जा रही हूँ और तेरे वचन के द्वारा जैसे दाऊद ने ब्लेसिंग पाई, उस भाई ने ब्लेसिंग पाई, मेरे को भी ब्लेस कर। महिमा यीशु मसीह के नाम को लेते हैं। आमीन। 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 सबको जय मसीह की। जोरदार तालियों के साथ।